राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कार्यक्रम कुक्कू की कहानी भाग दो, जिसे दादाजी सुना रहे हैं। आलेख अशोक गुप्ता का है और प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई तुम्हें याद है ना कुक्कू की कहानी? तो लो दादाजी आ गए हैं और वो तुम्हें कुक्कू की कहानी आगे सुनाएंगे, तो सुनो। अरे बुद्धू राजा, ऐसा कहीं न देखा ढंग, धूल पड़ी हो सिर पर ऐसा कलगी का रंग। बच्चों राम राम। राम राम दादाजी। राम 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 राम। दादाजी लगता है कुकु बोल रहा है। दादाजी है ना मुर्गे जैसी आवाज? हाँ भाई, है तो मुर्गे की ही आवाज, पर कुक्कू की नहीं है। अरे भाई कुकड़ू कू तो उसके दोस्त मुर्गे कर रहे हैं। दादाजी पूछो क्यों? क्यों भला इसमें पूछने की क्या बात है? कुकड़ू कू तो उसके दोस्त कर रहे हैं। की कह रहे हैं कि आगे सुनाओ ना कहानी। ओए होए कहानी, कुक्कू की कहानी आगे सुनाऊं? हाँ दादाजी आगे सुनाओ। अच्छा बच्चों तुम भी सुनोगे ना? हाँ दादाजी हम भी सुनेंगे। हाँ भाई, कहानी शुरू होने से पहले ये बताओ कि कहाँ तक सुनाई थी? दादाजी आपने कहानी सुनाई थी कि कुक्कू अपनी परछाई नदी में देख के रोने लगा। हाँ भाई याद आया। हाँ तो कुक्कू रोता ही रहा। बच्चों इतने में उधर से एक तितली आई। क्या आई? तितली। हाँ तितली आई। तितली ने कुक्कू से पूछा, कुक्कू कुक्कू बोलो रोते क्यों हो? तितली की मीठी आवाज सुनकर कुक्कू ने रोना बंद करके तितली की तरफ देखा। तितली रंग बिरंगे चमकीले पंखों से सजी बड़ी प्यारी लग रही थी। कुक्कू को दूसरों का रंग बिरंगा होना बहुत खराब लगता था। एक बार उसके मन में आया कि वो झपट कर तितली को चोंच में दबा ले और खा जाए। दादाजी कुक्कू ने उस तितली को खा लिया? नहीं भाई, अभी वो सोच ही रहा था कि तितली ने दोबारा पूछा, क्यों भाई कुक्कू क्यों रो रहे हो? बताओ बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मदद की बात सुनते ही कुक्कू का गुस्सा गायब हो गया। क्या हो गया? गायब। क्या गुस्सा गायब हो गया? उसे लगा कि जहां से तितली ने इतने सारे रंग पाए हैं वहीं से शायद ये मुझे भी दिला दे। तो तितली ने कहा, भैया मुझे तो रंग फूलों से मिले हैं, चलो
मैं तुम्हें फूलों के पास ले चलती हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद करें। कुक्कू को लगा कि अब शायद काम बन जाएगा और वो तितली के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते दोनों एक बागीचे में पहुंचे। पूछो क्यों? क्यों दादाजी? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, फूल तो बागीचे में ही मिलते हैं ना। बहुत बड़ा बागीचा था बच्चों, उस बागीचे में बहुत सारी क्यारियां थीं। गोल क्यारी। कैसी गोल क्यारी? हाँ, चौकोर क्यारी। कैसी चौकोर क्यारी? हाँ, और तीन कोने वाली तिकोनी क्यारी। कैसी तीन कोने वाली तिकोनी क्यारी? तिकोनी क्यारी। हाँ बच्चों, किसी क्यारी में तो लाल गुलाब लगा था। क्या लगा था? लाल गुलाब। हाँ, और किसी में पीला गेंदा। कैसा? पीला गेंदा। हाँ, और किसी में सफेद मोगरे के फूल लगे थे। काय के फूल? सफेद मोगरे के फूल। हाँ, तो बच्चों कुक्कू को वहाँ इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो ये भूल ही गया कि यहाँ क्यों आया था। बस घूमता ही रहा, घूमता ही रहा। प्यारे बच्चों, उस बागीचे में फलों के पेड़ भी थे। काहे के पेड़ थे? फलों के। हाँ, फलों के पेड़। अचानक अनार के पेड़ के पास आकर जैसे कुक्कू को कुछ याद आ गया और वो रुक गया। पूछो क्यों? क्यों दादाजी? ओए होए, अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है। अनार के लाल लाल फूल देखकर उसे फिर अपनी कलगी की याद आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तितली उसके साथ ही थी। कुक्कू के मन की बात समझकर तितली ने अनार के फूल से कहा, अनार के फूल, ए भैया अनार के फूल, कुक्कू मुर्गे की कलगी लाल कर दो। तो जानते हो बच्चों फूल ने क्या कहा? फूल ने कहा, हम लोग किसी को रंग नहीं दे सकते, तुम रंगों के देवता के पास जाओ। सूरज के छिपने के बाद वो इस बागीचे में आते हैं, गुलाब की क्यारी के पास वो तुम्हें मिल जाएंगे। तितली और कुक्कू दोनों जाकर वहां बैठ गए। थोड़ी देर में उन्हें एक गाड़ी आती दिखाई दी। वो गाड़ी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। 12 अलग अलग रंग के घोड़े उस गाड़ी को खींच रहे थे। जानते हो बच्चों गाड़ी का रंग कैसा था? गाड़ी सोने जैसे सुनहरे रंग की थी। सोना देखा है ना, चमकने वाला, उस सोने जैसे सुनहरे रंग की थी। गाड़ी की छत इंद्रधनुष जैसी थी और बच्चों उसमें रंग बिरंगे रेशमी पर्दे टंगे थे। ये गाड़ी रंगों के देवता की थी। तब तितली ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। रंगों के देवता ने पूछा, कहो क्या कहना है? तब तितली ने बताया कि उसका एक साथी है कुक्कू मुर्गा। पता नहीं क्यों
उसकी कलगी मिट्टी की तरह मटमैले रंग की है। वो चाहता है कि उसकी कलगी दूसरे मुर्गों की तरह लाल रंग की हो। तो बच्चों, रंगों के देवता ने कुक्कू को बुलाया और उसे बताया कि सब चीजों को रंग देने वाले सूर्य देवता हैं। सूर्य से रंग लेकर मैं सबको बांटता हूं। सूर्य जिस फूल फल पशु पक्षी को जो रंग देने को कहते हैं मैं दे देता हूं, लेकिन जो पशु पक्षी खराब काम करते हैं उनसे सूर्य देवता नाराज हो जाते हैं, फिर उसे रंग नहीं देते। तुम्हें सूर्य देवता ने रंग देने को मना कर दिया था क्योंकि तुम दूसरे मुर्गों को मारते पीटते हो, उनकी कलगी अपनी चोंच और पंजों से नोचते हो। तो प्यारे बच्चों, कुक्कू की गर्दन शर्म से झुक गई थी। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि अब कभी भी वो किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। रंगों के देवता ने कुक्कू से कहा, तुमने अपने जिन साथियों को दुखी किया है उनसे जाकर माफी मांगो और सूर्य देवता को खुश करो, तभी तुम्हारी कलगी का रंग लाल हो सकता है। तो बच्चों, कुक्कू अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो अपनी बस्ती में पहुंचा तो सबने देखा कि कुक्कू की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुक्कू को अपने गलत कामों का दुख हो रहा था। उसने सब साथियों के पास जाकर माफी मांगी और कहा कि अब कभी भी वो किसी को तंग नहीं करेगा। कुक्कू की ये बात सुनकर सब बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। सूर्य देवता ने भी खुश होकर कुक्कू को सब रंग दे दिए। अब उसकी कलगी लाल हो गई थी। क्या समझे? उसकी कलगी लाल हो गई थी। अब कुक्कू रोज सवेरे उठता और सूर्य देवता को देखकर खुश होकर बांग लगाता। कुकड़ों कू भाई कुकड़ों कू मुन्नू जागो चुन्नू जागो, हुआ सवेरा कुकड़ों कू। तो प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे दादाजी भी ये कह रहे हैं, कुकड़ों कू भाई कुकड़ों कू, देर हो गई अब मैं चलूं। अच्छा तो राम राम। राम राम दादाजी। हाय राम राम। दादाजी फिर कल मिलोगे? अरे जरूर मिलूंगा। दादाजी राम राम। हाय राम राम। दादाजी राम राम। तो लो भाई, कहानी तो कुक्कू की खत्म हो गई। तो दोस्तों, अब जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा, कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम।